राजस्थान की राजनीति में उठापटक का दौर जारी। आज प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। विपक्ष ने लगाया सरकार पर आरोप, कहा कांग्रेस के पास नहीं है पूर्ण बहुमत, गहलोत को देना चाहिए इस्तीफा। सोमवार को भी बीजेपी ने किया था सीएम आवास का घेराव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेंगे बीजेपी नेता। 5 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। कांग्रेस बोली इस समय में मंदिर निर्माण ठीक नहीं। यूएई में आज होगा रफाल का सिंगल स्टॉप। अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा विमान। फ्रांस एयरफोर्स के पास है एयरबेस की जिम्मेदारी। 27 जुलाई को फ्रांस ने भारत को सौंपे थे 5 रफाल विमान। 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेगा रफाल। देश की मुश्किल घड़ी में बीजेपी को बिहार चुनाव की फिक्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भागलपुर में जनता से संवाद करेंगे पार्टी के नेता। सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। सूबे के इसी साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। भारत दौरे पर इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो। रक्षा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नेतृत्व के साथ करेंगे बात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन। पूर्णबंदी के दौरान नियमों का पालन न करने वालों पर जमकर हुई कार्रवाई। पुलिस ने काटे हजारों चालान। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोगों को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। लंबे इंतजार के बाद आज जारी होगा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित करेगा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे देख सकते हैं छात्र। शाम 4 बजे तक आएंगे परिणाम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर दी जानकारी। एमपी में नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू। आज से होगा भोपाल के वार्डों का आरक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सीमित संख्या में होगा लोगों का प्रवेश। सभी 85 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया ऑडिटोरियम के बाहर लगे टीवी स्क्रीन पर देखी जा सकेगी। 31 जुलाई तक पूरी होगी आरक्षण की कार्यवाही। देश के कई राज्यों में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी। आज से झारखंड में भी मिलेगा लोगों को इलाज। महामारी से लड़ने में मिलेगी मदद, हेमंत सरकार का दावा। अब झारखंड से भी दूर होगी बीमारी। इंडसइंड बैंक आज इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर करेगा मंथन। बैंक ने कहा जरूरत पड़ी तो बोर्ड फंड रेजिंग के प्रस्ताव को लेकर पोस्टल बैलेट पर भी हो सकता है विचार। कई सार्वजनिक और निजी बैंक भी काफी समय से फंड जुटाने पर कर रहे हैं विचार।